जी एन प्यारे विद्यार्थी हो क्लास कलास दायंस द बुक का चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इस चैप्टर के पेज नंबर फिफ्टी थ्री से जड़े इन टैक्सट क्वेश्चन ने दो वो असी इस वीडियो कर जा रहे हैं सो प्लीज़ बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड कॉपी डाउन द आंसरस बट मेक श्योर टू रिवाइज दैम एंड प्रैक्टिस राइटिंग दैम ऑन योर ओन आफ्टर यू हैव लिसन एंड वॉच लिसन टू एंड वॉच द video. This channel has a 9th math playlist in which the 9th class of math book has been solved and uploaded chapter wise and exercise wise. 9th math notes in which chapter wise important notes concepts and definitions of mathematical terms have been explained in detail. If you listen to and watch those videos then understanding the solutions and solving the questions yeah. on your own will be much easier te if you are from punjab state education board te todi english di jehdi book hai 9th class di that is main course book oh start kar ditti gayi hai one chapter has first chapter has already been uploaded te hun agle videos vi baki jehdi remaining book hai ode chapters taiyar karke pae jaan ge so tusi agar channel subscribe nahi kita te do subscribe to this channel सो दैट यूलोड इन द फ्यूचर वीडियोज़ न शेयर जरूर करेंो सो आओ शुरू करिए क्वेश्चन नंबर वन फॉर द सिंबल एच डी एंड टी टेबुलेट टैबुलेट मीनस प्रेजेंट दैम इन दम ऑफ अ टेबल थ्री सब एटोमिक पार्टी सब एटोमिक मीन्स विद इन दॉलर दैन ऐटम पार्टी सू पता है देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉपिक पार्टल्स विच हैव स्टडीड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है फाउंड इन ईच ऑफ दैम एना तिना जबेटॉमिक पार्टिकल्स ने वो लिखो ठीक है so, सो इसका टेबल बना लेंगे पहले पे प्रोटोन फर्स्ट कोलम्च कोलम्च न्यूट्रॉनस थर्ड कोलम्च इलैक्ट्रॉनस इतने लैफ्ट साइड से लिख लिया इतने एच डी टी एच इज प्रोटीयम डी इज डिट्यूरीयम एंड टी इज़ ट्रीटीएम एच से सू पता है दी मोस्ट कॉमन आइसोटोप याद कर लो डी फॉर दो है ना डी फॉर दो एंड डी फॉर डिटोरीअम दूजे नंबर पर आएगा टी फॉर थ्री एंड टी फॉर ट्रीटीएम जस्ट टू हेल्प यू मेमोराइज टी फॉर ट्रीटियम टी फॉर थ्री सो तीसरे नंबर पर आएगा याद रखना है ठीक है नाओ दीज आर आइसोटोप्स आइसोटोप्स कहे होंगे ने वट आर आइसोटोप्स दे आर द आइटम्स ऑफ एन एलीमेंट हैविंग द सेम अटोमिक नंबर ब डिफरेंट मास नंबर अटोमिक नंबर है? होंटोमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम सो ए सेम है सो so, सब तो पहले असं प्रोटोन डील करा सो यू जस्ट राइट वन 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 ऑल ऑफ दिस ईच ऑफ दैम हैज गॉट ओनली वन प्रोटोन इन इट्स न्यूक्लियस, बिकॉज आर दे आर आइसोटोप्स एंड आइसोटोपमिक नंबर सेम हों दूसरी बच्चे हो कि दूसरी गलो कि दीज आर न्यूट्रल एटम्स दीज आर नॉट एनॉइनस ऑर कैटोइंस आर नॉट पॉजिटिव ऑयनस और नेगेटिव ऑइनस दे आर एटम्स न्यूट्रल एटम्स तो जे न्यूट्रल एटम होए इट मीनस द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स विल बी सेम एज नंबर ऑफ प्रोटोन सो तो जो इतने वन 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 लिख दता है सो तुम इस कॉलम से आ जाओ इलेक्ट्रॉनस से लिख दो वन 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 सोडा अद्धा काम तो, 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 तो हो ही गया इज सो सिंपल पहले मैं तुम्हें दस एच लिख दो डी फॉर दूसरे नंबर पर दो एंड टी फॉर थ्री तीसरे नंबर पर याद करने पैणगे नाम प्रोटीयम ड्यूटोरीयम से ट्रीटम याद कर लो प्रोटोन सी के लिख दो इलेक्ट्रॉन सी लिख दो फिर उस तो बाद असेंडिंग ऑर्डर लिख दो जीरो वन एंड टू दैट मीनस प्रोटीयम हैज़ गॉट नो न्यूट्रॉन्स जीरो न्यूट्रॉन्स ड्यूटोरीयम हैज गॉट ओनली वन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ट्रीटियम हैज़ गॉट टू न्यूट्रॉन्स ठीक है यदि मतलब यह हो गया कि मास नंबर ऑफ Mass number of protium is one. One plus zero is one. Mass number of deuterium is one plus one, two. And mass number of uh, tritium is one plus two, three. So this. important fact like protium is the only atom which does not have any neutrons. All other atoms, other than protium, they do have some neutrons in there. न्यूक्लियस okay. है याद रखना ओके क्वेश्चन नंबर अगर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स ऑफ एन ऐटम मतलब कि सराउंडिंग ऑर्बिट्स है फर्स्ट इनर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज के सेकेंड ऑर्बिट इज नोन एज एल Third orbit is known as M. Fourth orbit is known as N. So formula is si node switch which two n square. First orbit can have two electrons. Third orbit can have eight electrons. And the th uh, third orbit, uh, second orbit can have eight electrons. Third orbit can have eighteen electrons. But the outermost electron out, outermost orbit cannot have more than eight electrons. Node switch so sorry notes which So I am just ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਆਲ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਨਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਪੁੱਟਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਗੇਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ठीक है तो दूसरी वाले थोड़ी रिविजन भी हो जाएगी सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर नोन एज आइसोटोप्स मैं एग्जांपल दे दिए फॉर एग्जांपल 12 6 सी एंड 14 6 सी आर टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन ठीक है हम देखो वी नो दैट दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन एंड दिस इज मास नंबर व्हिच इज रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट एंड दिस इज एटोमिक नंबर विच इज रिटन एज सबसक्रिप्ट ठीक है हम देखो दिस इज सिस दिस इज सिस इट मीनस एटोमिक नंबर इज सेम दिस इज ट्वेल्व दिस इज फोरटीन दिस मीनस द मास नंबर आर डिफरेंट सो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा सो तुम एग्जाम्पल दे दो पहले वेल्ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ बोथ ट्वेल्व सिक्स एंड फोरटीन सिक्स इज टू फोर वाई एज सिलैक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन है देखो सिक्स प्रोटोन सिक्स इलेक्ट्रॉनस सो पहले आ गया दो सैकेंड आ गया फोर

जो आइसोटोप की डेफिनेशन है बिल्कुल उल्टी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ नोबल गैस सिम्बल इज ए आर एंड कैल्शियम सिम्बल इज सी एर आइसोबार है इग्जाम्पल आ गया हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरे लिखना आपका द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूक्लियॉन्स आर कोलैक्टिवली आई मीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज कोलैक्टिवली न्यूक्लियॉन्स सो न्यूक्लियॉन्स मीनस प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियनस मीनस सब अटोमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ठीक है सो द नंबर ऑफ इन बोथ ऑफ दैम इज 40 बट देर एटोमिक्ड ट्वेंटी रिस्पेक्टिवली देखो ए आर दिबल आ गया आरगन दास नंबर फोर्टी एटीन इज द एटोमिक नंबर सो एटीन है सो 8 एट एट एन दो 8 10 और 18 अठारह बराबर हो गया इट हैज गॉट 18 प्रोटोन and 22 neutrons hai main additionally likh deta hai they have not asked for it toanu vi likhan di zarurat nahi but i have tried to make the answer i have tried to make the answer as comprehensive as possible kyunki main toanu pehle kehya ki twadi revision vi ho jaye te toanu answer achhi tarah samajh aa jaye te ratta lagan di zarurat na pave theek hai calcium da symbol hai ga ca so mass number upar 40 and 22 ਸੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 20 ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 20 ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਲਸੋ 20 ਸੋ so, 2 8 8 2 ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਐ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਾਟ 20 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ 20 ਨਿਊਟਰons ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਿਲੇਬਸ ਐ 8ਥ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ 9ਥ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 10 ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਵਾਇਓਲੇਟ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੋਰਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸੋ ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਪੈਨਲਟੀ ਮੇਟ ਪੈਨਲਟੀ ਮੇਟ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਬਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ यू डोंट हैव टू वर्दर जस्ट रिमेंबर कर लो जस्ट याद कर लो दिस थिंग विल बी कवर्ड इन योर इलेवंथ क्लास जिस जल्दी तीन इलेवंथ क्लास भी जाओगे तारा आएगा कि हाउ डज दिस हैपन ठीक है पर तुसी इन्ना याद रख लो है वन एग्जाम्पल इज गुड इनफ फॉर यू टू रिमेंबर कि आइसो बार एक एग्जाम्पल हैगा आरगन एंड कैलशियम एगा टू एट एट टू एट एट टू दैट्स ऑल सो बच ऐसी क्वेश्चन पेज नंबर फिफ्टी टू के उ इस चैप्टर के सो इस भीडियो के ख़त्म होंगे ने नैक्सट भीडियोजी जो एक्सरसाइज तो है एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल स्टार्ट डूइंग दैट सो इसी तरह मेहनत के नाम अपनी पढ़ाई करी चलो अगले भीडियोज तकली गुड बाय तो सहुत बहुत धन्यवाद रब रखा थैंक यू वेरी मच